हाँ, मेरी माता के साथ में 21 तारीख की रात्रि की कालीन मारपीट की गई सामने परिवादी के द्वारा। उसके साथ में मेरी माँ के काफी चोटें आई, यहाँ हॉस्पिटल भी पुलिस प्रशासन ला करके एडमिट करवाया, न हमारे को सूचना दी गई। और आज दिन तक मेरी माँ की मौत हो गई तो भी मुर्गी मान फरार घूम रहे हैं और आगे भी हमारे को धमकियां दे रहे हैं, हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो आप, हमारा कुछ नहीं होने वाला है और प्रशासन ढीला चल रहा है। मुर्गी माना को पकड़ के दूसरे दिन हमारी माँ को, जो भी हमने दाह संस्कार करते ही इनको मुलजिमानों को पहले दिखाया कि हमने पकड़ा हुआ है, फिर छोड़ दिया, कोई कागजात कार्रवाई में इनका लिखित नहीं है कि हमने उनको गिरफ्तार किया। आज तक पुलिस प्रशासन वगैरह सब अधिकारी लोग हमारे को न्याय दिलाने की कृपा करावे। कितने दिन पुराना मामला है, क्या घटना क्या हुई? 21 तारीख की रात्रि कालीन लड़ाई हुई थी 21/12/22 को, उसमें 24 तारीख की दोपहर को 1 बजे के आसपास मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, उस वजह से हमने यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किया, परंतु इधर वो सामने वाली पार्टी पैसे वाली है, वो सब कुछ खरीद चुकी है, नहीं तो ऐसे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब हम धरना प्रदर्शन देना चाह रहे हैं, हमको न्याय चाहिए, हमारे को न्याय दिलाने की कृपा कराओ। किस मामले को लेकर विवाद हुआ था? जमीन हमारी है पट्टा। धरना प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन ये है सही, हमको न्याय चाहिए। मेरी मदर का मार करके मार दी, मर्डर हो गया, इसलिए हमको न्याय चाहिए। मुलजिम फरार घूम रहे हैं, मुलजिमों को पकड़वाना चाहते हैं और सरकार हमको न्याय दे। कितने दिन पुराना मामला है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला हुआ था? मैं खेत में रह रहा था, मेरे जमीन खरीदी हुई है। कौन सा कहाँ से रहने वाला हूँ? कहाँ से लेकर रहने वाला हूँ? भगवाना राम है मेरा नाम। मेरा परिवार पूरे खेत में रह रहे थे और हमलावरों ने मेरे मदर को माता को मार पीट कर खत्म कर दी, इसलिए मैं न्याय चाहता हूँ। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर।